एवरीवन, वेलकम बैक टू डीजी सोम। जैसे कि आप लोग ने टाइटल देखा है, आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझे बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय हुआ है, और बेबी के साथ आप लोगों को मिलाने भी वाली हूँ। और उसके पहले अगर कोई न्यू नए व्यूवर्स या नहीं जानते हैं तो मेरा नाम श्रुति है, और मेरे पिछले व्लॉग्स आप लोग देखेंगे जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी रहे हैं, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगे, लाइक माई थर्ड ट्राइमेस्टर जर्नी और मुझे सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है नॉर्मल, सब कुछ जो भी व्लॉग्स मैंने किया है बर्थ स्टोरी का, वो सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो 40 दिन तक न्यू बॉर्न बेबी के साथ आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं जैसे तैसे बस थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो रेडी होकर आप लोग के साथ बात कर रही हूँ। तो अभी हम बुलाते हैं मेरे हस्बैंड को और उनसे भी जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है, और आप लोग को फिर मैं अपनी बेबी से भी मिलवाती हूँ। हेलो एवरीवन। सो देवेश, कैसा लग रहा है 5 ईयर्स के बाद दूसरे बेबी को अपने हाथों में लेके और दूसरा बेबी अपने पास आया है, कैसा लग रहा है, जर्नी कैसी लग रही है? अभी तक जो 40 दिन की जर्नी थी वो कैसी रही? जर्नी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे पृथ्वी के टाइम पे थी, कि रात में जागना और दिन में सोना। बट जो फीलिंग है दैट इज जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। जैसे जब भी लोगों से मिला मैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि क्या वो लड़का है लड़की, मैंने बोला कि अभी बताइए एक्स वाई सेट हुआ है। एंड उनने बोला अरे वाह यार, ये तो कंप्लीट फैमिली हो गई है। यानी एक नहीं कम से कम 10 लोगों ने मुझे बोला ही कंप्लीट फैमिली हो गई। एंड एक्चुअली जब वापस घर आते हैं और जब एक ही ख्याल रहता है कि बेबी को हाथ में लेना है, एंड पृथ्वी वाली फीलिंग सारी वापस से आ गई है, एंड अगेन मेरी लेन में चले गए, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग टू हैव दैट फीलिंग अगेन। थैंक्स टू श्रुति जिसने 9 महीना पेन बेयर किया है टू ब्रिंग आउट अ ब्यूटिफुल बेबी फॉर अस। एंड मतलब भगवान उसको काफ़ी शक्ति दी है, अभी भी दे रहे हैं, बिकॉज यही अल्टीमेटली हैंडल करती है सारी चीज़ें। बिकॉज मैं तो सुबह ऑफिस चले जाता हूँ और ये सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे की ड्यूटी पे 40 दिन तो दे रही है। सो आई होप मतलब ये सारा जितना भी एफर्ट हम लोग दे रहे हैं हमारे बच्चे और अच्छा निकले एंड मेक अस प्राउड इन फ्यूचर। एंड आप लोग भी अपनी विशेस दीजिए मेरे बेबी को। आप लोग को जस्ट मैं अपने बेबी से मिलवाती हूँ और आपको पता भी चल जाएगा कि हम लोग ने उसका नाम क्या रखा है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो मैं अभी लेके आती हूँ अपने बेबी को। सो गाइज, जैसे कि आप लोग वो देख के समझ गए होंगे, तो हमें हुई है बेबी गर्ल। हमने इसका नाम रखा है, जैसे कि आप लोग ने स्टार्टिंग में या लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि हमने इसका जो नेम है वो कैसे रिवील किया है, तो हमने इसका नाम रखा है अवंतिका। बट मैं प्यार से इसको आरू बोलती हूँ, और ये है हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल। तो आप बताइए किसके जैसी लगती है ये, पापा जैसी या मम्मी जैसी? अभी वो एक्चुअली स्लीपी है, थोड़ी सी नींद में है वो, इसके लिए नहीं तो आपको मैं अच्छे से मिलवाती। और तो गाइज, यहीं पे बैठ के हम दोनों ने आप लोग के साथ शेयर किया था कि वी आर प्रेग्नेंट, एंड आज आप लोग के साथ हम लोग ने शेयर किया है कि हमारी बेबी गर्ल हुई है बेबी बॉय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग के साथ हमने अपनी लाइफ अपडेट शेयर की है, और भी मेरे जो भी वीडियोस हैं जो आपको यूजफुल लगते हैं, तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, बिकॉज अब दो दो बच्चे हो जाते हैं, दो दो बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मेरे बहुत सारे वीडियोज एडिट पे हैं, तो बस कोशिश कर रही हूँ एडिट करके आप लोग के साथ शेयर करने की अपनी जो भी चीजें मेरे साथ हुई हैं। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी डॉटर को, कि उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड क्या करना है सबको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज। फाइनली छोटा सा ये नामकरण हम कर रहे हैं घर पे ऐसे ही एक फन वे में, और आप लोग को भी देखने मिलेगा कि क्या नाम हम लोग ने डिसाइड किया है। तो हमने अपनी गुड़िया का नाम क्या रखा है? अवंतिका।